हाय दोस्तों, मैं भीम सिंह रेकवार। मेरे पास दोस्तों ये सोनी का एलईडी टीवी आया हुआ है। देखिए 2015 का मॉडल है, मेड इन चाइना है जी। इसका मॉडल नंबर देखिए, दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखिए इसका ये मॉडल नंबर लिखा हुआ है इस पर। इसमें क्या समस्या है, चलिए मैं आपको इसको ऑन करके और दिखाता हूँ इसको। देखिए इसको मैं पावर देता हूँ, इंडिकेटर ऑन होगा। मैंने इसको पावर दिया, देखिए एक बार सोनी लिखा आता है। देखिए ये ऐसे करके ये सब बंद होता है, देखिए। और इंडिकेटर ऑन है इसका, देखिए यहाँ ग्रीन कलर का। और मैं उसको देखिए, इससे ब्रेक लाइट जल रहा है, देखिए। चलिए इसको खोलते हैं, क्या दिक्कत है और को देखते हैं। दोस्तों देखिए ये सेट मैंने पूरा खोल लिया हूँ। देखिए शायद पहली बार ही ये सेट खुला है। देखिए इसकी क्या कंडीशन हो रही है। चलिए दोस्तों मैं थोड़ा सा इसको क्लीन और साफ करता हूँ पूरी तरीके से। देखिए कितना ही डस्ट और हो रहा है इसमें। उसके बाद इसको देखते हैं और वोल्टेज वगैरह चेक करेंगे इसके, कि इसकी क्या दिक्कत और क्या समस्या हो रही है। देखिए किस तरह से बिल्कुल बुरी तरह से डस्ट है, कौन से वोल्टेज बंद हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। दोस्तों मैंने इसको चेक किया, इसके ये जो पैनल बीसीसी है यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहे थे। मैं आपको वोल्टेज चेक नहीं करा पाया क्योंकि ये जो माउसपैड जो लगा हुआ था ये शॉर्ट था। इसको मैंने SMD से इसको बाहर निकाल लिया हूँ और निकाल के देखिए ये मैंने ये माउसपैड निकाल लिया हूँ और इसको अलग कर दिया हूँ। ये ख़राब हो गया है, शॉर्ट बता रहा था, कंटिन्यूटी है शॉर्ट बता रहा था। मैंने पहले चेक कर लिया, आपको दिखा नहीं पाया, लेकिन ये निकाला हूँ मैंने थोड़ा। ये पेंट भी ख़राब हो गई है थोड़ी सी, अंदर बड़ा उससे चिपका था। मैंने पेंट काट के चेक वोल्टेज भी किए और ये तो मैंने अलग कर दिया हूँ। और इसको चेक करने के लिए ये मैंने एक बक कन्वर्टर, ये जो है देखिए ये वाला, ये लगा रहा हूँ मैं इसमें। देखिए मैं पीछे इसका मॉडल दिखा नंबर दिखाता हूँ। देखिए ये LAM2596 है, DC कन्वर्टर है। यहाँ मैं इसको कनेक्ट करूँगा 12 वोल्ट से और पैनल पे यहाँ पे मैं VCC 12 वोल्ट बनाऊँगा और मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कनेक्ट करके। दोस्तों मैंने ये कनेक्शन कर लिए, ये देखिए मैंने यहाँ ग्राउंड लगा दिया इसका यहाँ पे। और यहीं पे जो IC के ऊपर से सप्लाई आती थी यहाँ पे, ये माउसपैड जो लगा हुआ था यहाँ पे, यहाँ से इधर आता है। तो इसी मैंने यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे कनेक्शन कर दिए। देखिए यहाँ पे 17 वोल्ट बन रहा है और ये यहाँ पर मैंने 17 वोल्ट। देखिए ये बक कन्वर्टर ये मैंने जो लगाया है इस पर मैंने वोल्टेज सेट कर लिए हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इसमें लाइट जल रहा है। देखिए मैं आपको यहाँ वोल्टेज भी दिखाता हूँ। देखिए ये मैंने लगाया और यहाँ पे मैंने 12 वोल्ट एडजस्टमेंट करके रखे हुए। देखिए बिल्कुल फिक्स 12 वोल्ट लगा के रखे हैं। और मैं आपको यहाँ इस सेट को स्टैंड वाइज ऑफ भी करके दिखाता हूँ कि अगर यहाँ मैं वोल्टेज यहाँ दिखाए थे मैंने आपको कि यहाँ वोल्टेज जो 17 वोल्ट बन रहे थे अगर ऑफ करते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं कि नहीं। यहाँ देखिए मैंने इसको ऑफ कर दिया, यहाँ देखिए 11.1 वोल्ट बनने लगे स्टैंड वाइज। अब अगर स्टैंड वाइज रिलीज करता हूँ मैं इसको, ये मैं रिलीज किया हूँ और फिर मैं यहाँ वोल्टेज ना पा रहा हूँ, तो देखिए इतने वोल्टेज बराबर आए हैं। इसी बहाने में भी यहाँ इसको फिर से यहाँ पर आपको ऑफ किया हूँ और यहाँ पर वोल्टेज दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ भी 11.2 वोल्ट आ रहे हैं, VCC कम बन रहा है। अब मैं यहाँ ऑन करूँगा, फ़ोन करता हूँ, देखिए हाँ 12 वोल्ट आने लगे। चलिए मैं इसको यहाँ कनेक्ट करके और आपको वोल्टेज दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने ये देखिए यहाँ कनेक्ट कर दिया हूँ, यहाँ पैनल VCC दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए ये पैनल VCC 12 वोल्ट 9 वोल्ट यहाँ 12 वोल्ट बनने लगा है, देखिए बराबर। और सेट चालू भी हो गया, सेट पहले बैक लाइट तो आ रहा था लेकिन पिक्चर आ रहा नहीं आ रहा। चलिए मैं देखता हूँ, ये देखिए मैंने लगाया हूँ अभी, उसको यहाँ से अलग करता हूँ।
और अभी मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया हूँ। देखिए नो सिग्नल इस पर लिखा आ रहा है, देखिए आ रहा है। चलिए मैं इसमें वीडियो को कनेक्ट करता हूँ, दो मिनट वीडियो कनेक्ट कर लिए दोस्तों। वीडियो कनेक्ट कर दिया हूँ मैंने, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए वीडियो आने लगा इस तरह, देखिए बिल्कुल, देखिए दोस्त सेट ऑन हो गया। चलिए मैं इसको तरीके से बंद करता हूँ। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए दोस्तों। ओके सर, धन्यवाद, थैंक यू।